राम राम दोस्तों, आज हम खड़े हैं यूनिवर्सिटी के थर्ड गेट पे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इस टाइम एडमिशन चल रहे हैं। एडमिशन के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन देवांगे यूट्यूब चैनल पर आपने मिलेगी। आप मेरे पीछे देख सको SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने अपना हेल्प डेस्क लगा रखा थर्ड गेट पर। तो इनसे बात करेंगे भाई, के इन्फॉर्मेशन भाई और देवे हैं स्टूडेंट्स की, के हेल्प करे हैं। जो भी एडमिशन लेने लग रहे बालक, थर्ड गेट में घुसते आपने लेफ्ट साइड में ये भाई बैठे मिल जाएंगे। इनसे कोई भी इन्फॉर्मेशन आप पूछ सको तो इनसे पूछांगे। भाई और नबेंद्र लगा रखा, देखो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया आपका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पधारने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। SFI हेल्प डेस्क, मे आई हेल्प यू क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई, क्या हाल है? क्या हाल है भाई? क्या हाल है भाई? कैसे हो भाई? बढ़िया। कैसे हो भाई? तो भाई ये स्टूडेंट डेस्क लगाने का अपना पर्पज़ क्या है? स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI पूरे प्रदेश के अंदर जब दाखला प्रक्रिया शुरू होती है उस मौके पे हम हर कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर हेल्प डेस्क लगाते हैं। क्योंकि जो नए विद्यार्थी नए एडमिशन लेने के लिए आते हैं, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट कहाँ होगा, क्या स्ट्रीम होगी, सब्जेक्ट च्वाइस कैसी होगी, कैसे फीस भरनी होगी, यानी काफ़ी दिक्कतें आती है नए बच्चों को। उनके समाधान के लिए SFI हर साल के लिए हेल्प डेस्क लगाती है। उसी कड़ी में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर भी SFI का पिछले 10 दिन से हेल्प डेस्क जारी है। अच्छा, इसकी लोकेशन बता दीजिए एक बार हमारे दर्शकों को। ये लोकेशन थर्ड गेट में एंट्री करते 50 मीटर चलते ही अंदर बढ़ते ही आपको हेल्प डेस्क SFI का मिलेगा। अच्छा, यहाँ और मतलब एडमिशन कब से शुरू हुआ? वैसे पवन जी इस तरफ कर लीजिए एक बार कैमरा, एक बार दर्शकों को वैसे ही बता दीजिए। एडमिशन फॉर्म प्रक्रिया UG की अगर हम बात करें तो अंडर ग्रेजुएट, हाँ PG UG जो BA BSc BCom होती है उनकी प्रक्रिया चली हुई, सेकंड काउंसलिंग चली हुई है। अच्छा। आज उस सेकंड जो लिस्ट लगी थी उसकी फ़ीस भरने की लास्ट डेट है और 9 तारीख को तीसरी आएगी, उसकी 12 तारीख लास्ट डेट होगी। अगर फिर सीट खाली रहती है तो 13 तारीख को IIHSKUK की वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा और 14-15 को उसके लिए ऑनलाइन हाजिरी बच्चे को लगानी पड़ेगी और 16 को अगली लिस्ट ओपन काउंसलिंग के लिए जारी की जाएगी। ये तो रहेगा UG का। हाँ। 5-year कोर्सेज की भी चली हुई अभी तीसरी काउंसलिंग 9 तक चलेगी और 9 के बाद अपडेट होगा कितनी सीट कहाँ खाली है, तो ही 15 को अपडेट आ जाएगी कहाँ कैसे एडमिशन उनके लिए होंगे। अगर सीट खाली रहती है तो पोर्टल यूनिवर्सिटी दोबारा खोल लेगी। PG की एडमिशन डेट फॉर्म भरने की 31 थी, अब उन्होंने बढ़ा के 8 तारीख लास्ट डेट कर दी है। पहली काउंसलिंग अभी उन्होंने दी है, कोई परमानेंट नहीं, 15 तारीख को पहली काउंसलिंग करेंगे, फिर सेकंड 19 को करेंगे, ऐसे कर करके उन्होंने दिया। अभी पूरा स्वरूप PG का आया नहीं है कि काफ़ी कोर्सेज के जो UG के थे उनके अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, तो बेसिकली बात है कि बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे। और अब की बार हम एक चीज़ और फेस कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी काफ़ी होने की वजह से, हरियाणा में हर ज़िले की यूनिवर्सिटी होने की वजह से, तो बच्चों का जो रुझान है, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अपने आप में एक जगह होती थी, अपने आप में एक पॉपुलर स्पेस होता था, वो पॉपुलर खुआ है। क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो सोप पहले इतना ईजी काम होते थे कि बच्चा आसानी से करवा सकता था, लेकिन अब की बार जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल की हुई है। बच्चे फीस कट जाती है, स्लिप नहीं निकल रही, स्लिप निकल गई तो फीस में फेल्ड लिखा आ रहा है, यानी वेरीफाई नहीं हो रही। तो ये जो ऑनलाइन प्रक्रिया है इसको लेके आज भी SFI का एक प्रतिनिधिमंडल दोपहर वाइस चांसलर से मिलेगा। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, हॉस्टल के बारे में और थोड़ा बता दीजिए, हॉस्टल लेने की प्रक्रिया क्या रहेगी? अभी यूनिवर्सिटी में जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, BA BSc या BCom के जो सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के बच्चे, उनको हॉस्टल अलॉट शुरू हो चुके हैं, अभी हो रहे हैं ऑनलाइन। फाइनल ईयर के बच्चे जो होंगे उनको ऑफलाइन किए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी आए अपना फॉर्म भरें और जो हॉस्टल है अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से जो मिल रहे हैं उसके हिसाब से अपने हॉस्टल में जाके अपना फार्म जमा कराएं और फीस ऑफलाइन होएगी। जो सेकंड ईयर के हैं उनके लिए ऑनलाइन हॉस्टल है और प्रक्रिया शुरू हुई हुई है, कभी भी आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और पहले साल के बच्चे जो अभी एडमिशन हो रहे हैं, जो ग्रेजुएशन ऑनलाइन साइट कौन सी है, मतलब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की KUK पे। हाँ, मैं सोचा कभी उसके लिए अलग से पोर्टल बना ना, कोई पोर्टल नहीं, उसी पे आप जाओगे तो ऊपर लिखा जाता है, तो उसमें एक और लिंक ओपन होता है जो दूसरी वेबसाइट भी उसी से कनेक्ट है, तो उसी के ऊपर लिंक डले हुए हैं, तो वो आ जाएगा। और पहले साल के बच्चों के लिए आज दिन में कह रहे थे कि 5 तारीख को हम पोर्टल खोल देंगे, लेकिन अभी तक ओपन हुआ नहीं है, शाम तक पहले साल के बच्चों के लिए पोर्टल हॉस्टल का लिया खोल दिया जाएगा।
अच्छा, कुछ बच्चों की क्वेरी होगी कि भाई हॉस्टल सभी को मिल जाता है और सभी को नहीं मिलता, तो वो बच्चे फिर कहाँ अपना रेजिडेंस का करें, उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, अब के पहले जो एक क्रेज होता था हॉस्टल का, वो काफ़ी होता था कि जैसे ही हॉस्टल खुलने का नोटिस आता था, पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। और अब की बार ऐसा हम महसूस कर रहे हैं, हॉस्टल में नहीं आए हैं, एक ब्लॉक फुल नहीं हुआ है। तो यानी अब की बार जो हॉस्टल की जो है प्रक्रिया, उसके अंदर बच्चों का जो रुझान घटा है, वो फीस की वजह से। जो पिछली बार जो इन्होंने फीस हाइक की थी, यानी काफ़ी बच्चों ने अभी तक ये नहीं पता फीस कितनी है। अब की बार फीस 12,800 है एनुअल है, जिसमें 4,000 रुपये सिक्योरिटी होगी, मंथली आपका खर्च रहेगा 2,500 से 3,000 के बीच में आपका मंथली खर्च रहेगा। और एनुअल फीस 12,000 है, जिसमें 4,000 रुपये आपकी सिक्योरिटी 8,000 रुपये के आसपास पड़ेगी। अगर फिर भी कोई बच्चा हॉस्टल नहीं मिल पा रहा, तो शहर के अंदर शांतिनगर, आज़ाद नगर, केदार नगर, बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप बाहर पीजी ले सकते हैं। लड़के लड़कियों के सुविधा उपलब्ध है, जिसका रेंट 4,500 से 5,500 के बीच में मिलता, अलग अलग रूम क्वालिटी के हिसाब से। शहर में बहुत सारी धर्मशालाएँ हैं, और उनमें भी बच्चों को रूम दिए जाते हैं, सब्सिडी पर भी होते हैं कुछ धर्मशालाओं में, रविदास है या कबीर है। तो आप आइए, हमारे से संपर्क कीजिए, अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारे फ़ोन नंबर लिखीजिए, वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपका। हाँ, 8674-7771-802, तो आप कॉल करिए, हम आपकी मदद करेंगे, आपका स्वागत करते हैं यूनिवर्सिटी में SFI की तरफ से। तो भाई, आपका शुभ नाम? रवि कुमार है मेरा शुभ नाम। मैं एमएससी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो अभी या फिर? जी, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मैं एमएससी बायोटेक का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो अभी यहाँ पे, हाँ जी, तो आप भी यहाँ हेल्प कर रहे हो हेल्प डेस्क में? जैसे नए बच्चे आते हैं तो उन्हें मुश्किल रहता है कि कहाँ क्यों कौन सा डिपार्टमेंट है, किस साइड से जाना है, क्या प्रॉब्लम रहती है, तो जो जो हमें पता होता है उस हिसाब से हम बच्चों की हेल्प करते हैं। ताकि नए बच्चे आ रहे हैं, उनको वो थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बारे में बता दो, हमारा कैंपस कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं? कैंपस बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, लोग तो जैसे आप चाहते हो वैसे बन जाते हैं। आपको अच्छा नेचर होगा तो बन है, आपको घूमने के लिए रोज़ गार्डन है, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है, हर तरीके के मज़े मिलेंगे। बिल्कुल आइए, आप खूब इंजॉय कीजिए। भाई, आपका शुभ नाम? अभिजीत। अभिजीत, आप क्या पढ़ रहे हैं? मैंने अभी एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई किया है फ्रेंच में, डिप्लोमा इन फ्रेंच सर्टिफिकेट कोर्स, ये एक साल का होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी मतलब इससे पहले कहाँ पढ़ रहे थे? इससे पहले मैंने ग्रेजुएशन किया है यहीं से। हाँ जी, तो कैसा आपको कैंपस पहले देखा होगा आपने इधर, कैसा लग रहा है आपको, मतलब यहाँ अभी फीलिंग कैसी कि मैं एडमिशन लूँगा उसके बाद यहाँ पढ़ाई करूँगा? पहले फील कर चुके हैं पढ़ाई वढ़ाई के बारे में, तो ऐसा कोई खास एक्साइटमेंट नहीं है। अपने कंपटीशन की तैयारी के साथ हम ये भी पढ़ना जारी रखेंगे, तो थोड़ा सही लग रहा है। स्वागत है इस नए भाई का भी। भाई बहुत, भाई की मुस्कुराहट पर थोड़ा सा फोकस कर, भाई की स्माइल बहुत बढ़िया है। भाई का नाम राजदीप। राजदीप, नाम भी इतना बढ़िया भाई का। भाई आप क्या पढ़ रहे हैं? MS इंजीनियरिंग फिजिक्स सेकेंड ईयर। भाई एम एस सी इंजीनियरिंग करने लग रहा है, तो आप क्या कहना चाहोगे नए स्टूडेंट्स ने और कैंपस के बारे में थोड़ी? नए स्टूडेंट, आपका स्वागत है, और बढ़िया कैंपस है, सब कुछ एक नंबर है, घूमो फिरो ऐश करो, लेकिन पढ़ाई के साथ कोऑपरेट पूरा, पढ़ने के लिए आए हो और बाकी जो भी चीज़ है वो करो साथ में, बस तालमेल बना के रहना है। धन्यवाद। चलो भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई इस हेल्प डेस्क पर आकर आप ज़रूर हेल्प लो भाइयों की, भाइयों तो पूछो जो भी आपने इंक्वायरी करनी है। पीछे देखो पूरा बड़ा यो लगा रखा भैया ने बोर्ड, ठीक है, एंटर करते ही दिख जाओगे आपने लेफ्ट साइड में, सामने यो थर्ड गेट वाला रोड है, सामने यूनिवर्सिटी मार्केट है। बाकी अलग अलग और इन्फॉर्मेशन आपने देवांगे एडमिशन के बारे में, हॉस्टल के बारे में सेपरेट, तो चैनल सब्सक्राइब करो आप और कमेंट्स भी करो, ठीक है। जय हिंद।